आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पांच ऐसे टिप्स जिससे आप लोग की पाइथन जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली है। पहली टिप की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं और वो है यूज ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का इस्तेमाल आज की तारीख में बहुत कम लोग कर रहे हैं। एक चीज आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। मान लो आप सोच रहे हो कि आपका कोड काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप गूगल पे जाओगे, प्रॉब्लम को देखोगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करोगे, फिर ये देखोगे कि आपके कोड में वो प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। और जब ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद भी आपका कोड जब नहीं चलेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आज की तारीख में चैट जीपीटी जो बेसिक वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बिगिनर्स को आती हैं, इन माय ओपिनियन बहुत अच्छे से आप लोग को बताता है। तो आप चैट जीपीटी को डायरेक्टली बोल दोगे कि भाई ये रहा मेरा कोड, ये रही मेरी प्रॉब्लम, बताओ क्यों आ रही है, कहां आ रही है और तो और कैसे फिक्स करें। बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं चैट जीपीटी के बढ़िया बढ़िया जो कि आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे और आप लोग बहुत इजीली उससे अपनी पाइथन जर्नी को आसान बना सकते हो। तो यूज चैट जीपीटी एज मच एज पॉसिबल, फ्री टूल है। उसी के साथ साथ गूगल बार्ड को भी मैं इसी टॉपिक में रखूंगा कि यार चैट जीपीटी और गूगल बार्ड दोनों को इस्तेमाल करो। बहुत सारे लोग सिर्फ चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, सिर्फ गूगल बार्ड यूज कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसको जाओ समझो, खुद ट्राई आउट करो, समझ में आ जाएगा। ये दो AI टूल्स का जरूर से इस्तेमाल करो। अगली टिप की बात करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने जो भी कोर्स चूज किया है उसको स्टिक करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक कोर्स के पास आते हैं, वहां से सीखना शुरू करते हैं। मान लो आपने मेरा 100 डेज ऑफ कोड पाइथन उठाया, आपने मेरे 100 डेज ऑफ कोड पाइथन के 10 वीडियोस देखे, फिर आपने कहा यार थोड़ा स्लो चल रहा है, शायद कुछ ज्यादा ही डिटेल में बता रहे हैं, ये दूसरे कोर्स पे आ गए। आपने कहा चलो ये वाला देखते हैं। अगर एक कोर्स आपने पकड़ लिया और उसके बाद आपको 10 वीडियोस के बाद थोड़ा सा अनइजी लग रहा है, दैट्स कंप्लीटली नेचुरल। क्योंकि जब आप कोई नई चीज सीखते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ये चीज तो सीख रहा हूं लेकिन कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है, यार वो बात नहीं आ रही है। इस तरह की चीजें आप लोगों की लाइफ में आएंगी। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप लोग इस प्रोसेस को समझें और एक ही कोर्स को स्टिक करें, प्रैक्टिस करते रहें और अपने आप को टाइम देंगे। नहीं कि 5 दिन में सीखूंगा, 6 दिन में सीखूंगा, नहीं, प्रोसेस है। 100 डेज ऑफ कोड पाइथन को मैंने 100 दिन में करने के लिए बनाया, टारगेट ले लो भाई 100 दिन का। मैंने जब वो कोर्स बनाया था मैंने कंसेक्यूटिव 100 दिन, बीच में न्यू ईयर भी आया था मैंने, लेकिन डाले थे वीडियो सारे के सारे, क्योंकि मैंने ये सोचा था चैलेंज है यार, चैलेंज ले लिया ना, बस उसी दिन पंगा ले लिया, अब डालने हैं 100 दिन वीडियो। ऐसे आप भी ले लो यार पंगा, मेरी तरह ले लो पंगा कि यार आज ये तारीख है, 100 दिन तक देखना ये वीडियो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक कोर्स पे स्टिक करें। इसके बाद तीसरी टिप जो आप लोगों को देना चाहूंगा वो है पर्सनल नोट्स का बनाना। मैंने 100 डेज ऑफ कोड पाइथन में आप लोगों को नोट्स दे रखे हैं अपने, मैंने 100 डेज ऑफ कोड पाइथन में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारा कोड दिया हुआ है, सब कुछ समझाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे कह रहा हूं नोट्स लेना है आपको। नोट्स क्यों लेना है, क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं वो आपके जो आपके पर्सनल नोट्स जितना फायदा आपको दे सकते हैं उतना नहीं देंगे। चाहे मैं कितना ही अच्छा नोट्स लिख लूं, चाहे मैं आपको कितना ही अच्छा कुछ दे दूं, लेकिन जब तक आप लोग खुद के नोट्स नहीं बनाते हो तब तक शायद आपको समझ में नहीं आएगा। और आप नोट्स में वो चीज लिखो जो शायद आपको लगता है आप भूल सकते हो, आप अपनी नीड्स के हिसाब से करो। फॉर एग्जाम्पल लेटर से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ जिसमें मैंने ML की बात की है 100 डेज ऑफ कोड पाइथन में। हो सकता है आप सिर्फ ML में काम करते हो और क्योंकि वो वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसके नोट्स थोड़े एक्सटेंसिवली लोगे, मे भी थोड़ी बहुत और रिसर्च करोगे। तो पर्सनल नोट्स इज अ मस्ट, आपको पर्सनल नोट्स लेने ही लेने। ऑलराइट गाइस, यहां आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने पार्टनर किया Udemy के साथ इस वीडियो में और मैं आप लोगों को कुछ कोर्सेज सजेस्ट करने वाला हूं, जो कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीदते हैं तो आपको काफी डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों को एक प्राइमरी कोर्स अपना 100 डेज ऑफ कोड पाइथन बताया, जो कि एक काफी बढ़िया कोर्स है और मैं रेकमेंड करता हूं पाइथन के लिए अगर आप हिंदी में सीखना चाहते हैं। लेकिन फॉर सम रीजन अगर आप लोग इंग्लिश में सीखना चाहते हैं, आपकी हिंदी अच्छी नहीं है या फिर आपकी हिंदी थोड़ी सी वीक है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं चैनल पर, तो उनके लिए इंग्लिश कोर्स 100 डेज ऑफ कोड बाय डॉक्टर एंजेला यू एक बहुत बढ़िया कोर्स है और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ये कोर्स किया है एंड यस दिस इज एन अमेजिंग कोर्स, यू कैन गो फॉर इट। इसके बाद बहुत सारे लोग Django के लिए मुझसे कह रहे थे कि अपडेटेड Django का एक कोर्स, मैं आप लोगों को ये कोर्स रेकमेंड करूंगा जो कि काफ़ी बढ़िया कोर्स है और आपको इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ये मैक्सिमिलियन श्वार्ज़नेगर ने बनाया है जो कि काफ़ी कमाल के इंस्ट्रक्टर हैं, अगर आप लोग जानते हैं तो आपको मालूम होगा, वरना आप लोग इस कोर्स को ज़रूर ट्राई आउट करना अगर आप लोग Django सीखना चाहते हैं। फ्लास्क के लिए मैं रेकमेंड करूंगा ये वाला कोर्स जो कि आप लोग को लेटेस्ट फ्लास्क सिखाएगा। बहुत सारे लोग पाइमोंगो के साथ या फिर SQL Alchemy के साथ फ्लास्क को सीखना चाहते हैं और प्रोडक्शन ग्रेड फ्लास्क सीखना चाहते हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं कि फ्लास्क तो सीखें ही सीखें लेकिन कुछ इस तरह से सीखें कि अपनी प्रोडक्शन ऐप्स को वो होस्ट कर सकें। ये कोर्स मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा। और अगर फॉर सम रीज़न आप लोग PostgreSQL के साथ काम कर रहे हैं, जो कि एक गुड अमाउंट ऑफ पीपल कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ये सवाल हमेशा आता है कि मैं पाइथन
को PostgreSQL के साथ यूज करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे वर्क प्लेस पे ये ऐसे ऐसे काम चल रहा है। ये कोर्स लेट मी टेल यू काफी बढ़िया है क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने इस कोर्स को किया है। तो ये चार कोर्सेज पाइथन से रिलेटेड मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूँ। अलग अलग फील्ड के कोर्सेज हैं और ये वो कोर्सेज हैं जिसकी आप में से कई लोगों ने डिमांड की है और ये चारों टॉपिक्स जो है आप लोग फ्रॉम पाइथन बेसिक्स ऑल द वे टू जेंगो फ्लास्क एंड डेटाबेसेस आप लोग इनसे सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलेगा, तो आप लोग इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को इस्तेमाल करके। चौथी क्विक टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कि आप फन प्रोजेक्ट्स पर जल्दी से जल्दी आओ। यानी कि आपने अपनी पाइथन जर्नी स्टार्ट करी, लेट अस से आपने 5, 6, 8, 10, 20 दिन लगा दिए और आपको अब लगता है कि हायर मुझे इफ एल्स आता है, हायर मुझे समझ में आता है कोड कैसे लिखना है, किस तरह से कंपाइल रन करना है, आप जल्दी से जल्दी फन प्रोजेक्ट्स पर आ जाओ। तो आपके लिए आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को मजा आने लगेगा उस प्रोसेस के साथ साथ, आपको उस प्रोसेस का रिजल्ट दिखने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं पाइथन सीख रहा था तब मैंने पाई गेम पर बहुत जल्दी से आना स्टार्ट कर दिया था और मैंने वहां पर गेम्स होते हैं बेसिक वाले वो बनाना स्टार्ट कर दिए थे। आपका जो गेम है वो बहुत ही सिंपल हो सकता है, आप एक बहुत ही बेसिक सा स्नेक का गेम जो है बना सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जितनी जल्दी फन प्रोजेक्ट्स पर आओगे उतना इजी आपका काम होगा, उतना बढ़िया आपको लगेगा और उसके बाद फिर आने वाले वीडियोस को करने का मोटिवेशन आप लोगों को मिलेगा। तो मैं कहूंगा फन प्रोजेक्ट्स पर जल्दी से जल्दी आना है। इसके बाद जो फाइनल टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा वो ये है कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में पाइथन को इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। कैसे कर सकते हो? आप बना सकते हो एक ड्रिंक वाटर रिमाइंडर जो कि आपको रिमाइंड करेगा जब आप काम कर रहे हो पानी पीने के लिए। उसी के साथ साथ आप बना सकते हो एक होम ऑटोमेशन सिस्टम एक बार आपने थोड़ी एडवांस पाइथन सीख ली तो। ये सारी की सारी चीजें जब आप बनाओगे तो आपको एक मोटिवेशन आएगा चीजों को और एडवांस लेवल पर लेकर जाने का। आपने पाइथन एक बार सीख लिया तो आप लोग को और मोटिवेशन आएगा सेम मशीन लर्निंग सीखने का पाइथन के। तो मोटिवेशन को बरकरार करने के लिए मेरे हिसाब से आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी करने चाहिए और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को करने का एक सबसे बढ़िया स्टार्ट होगा कि आप अपने लिए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करो, आप अपने काम को आसान बनाओ, अपनी लाइफ को ऑटोमेट करो। आपने कुछ ऐसे टूल्स बना दिए जो आपको मदद कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक टूल बनाया था जो कि मेरे HTML कोड को रिएक्ट कोड में कन्वर्ट करता था, यानी कि जो क्लास है उसको क्लास नेम से रिप्लेस करना, फॉर को HTML फॉर से रिप्लेस करना। तो ये टूल बना के मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला था क्योंकि मैंने ये कहा था ये चीज मुझे चाहिए, अब मुझे कोई दे दे, लेकिन उससे अच्छा ये हुआ कि यार मैंने वो खुद ही बना ली और जब मैंने उसको खुद बनाया तो एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मुझे मिला। तो इसीलिए आप लोग जब अपने लिए करते हो कोई चीज, यानी कि आपने पाइथन सीखा उससे आपने अपने लिए कुछ किया, तो उससे ज्यादा मोटिवेशन आप लोग को कोई दे नहीं सकता लर्निंग का। जब कोई चीज आपके अपने लिए यूज में आ रही है तो आपको पता चलेगा उसकी जो एक्चुअल अहमियत है उसका एहसास हो। तो ये थी 5 पाइथन टिप्स मेरी तरफ से जो कि आप लोगों को पाइथन जल्दी से जल्दी सीखने में मदद करेंगी। अगर आप लोग को कोर्सेज चाहिए पाइथन के तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं ऑलरेडी, आप देख लेना। उन कोर्सेज के थ्रू आप लोग पाइथन बहुत जल्दी सीख सकते हो। मैं आप लोग को दोबारा एश्योर करना चाहता हूं कि 2024-2025 आने वाले सालों में पाइथन बहुत ज्यादा बूम करने वाला है और आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी अगर आप लोग पाइथन सीखना स्टार्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। जी हाँ, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाली हैं। तो मैं बस आप लोगों को एक क्विक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर आप पाइथन कर रहे हो तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, सीखो और अपने आप को एक जूनियर प्रोग्रामर से सीनियर प्रोग्रामर की तरफ लेकर जाओ क्योंकि जूनियर प्रोग्रामर वाले छोटे मोटे काम ChatGPT कर रहा है और आने वाले टाइम में AI और अच्छी तरह से करेगा, लेकिन जो आपका एज अ सीनियर डेवलपर दिमाग है वो शायद AI इन नियर फ्यूचर रिप्लेस नहीं करने वाला। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। We'll be right back.